हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम से किस तरीके से विदेश में फॉरेन करेंसी विड्रॉल कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड। ये देखिए दोस्तों, ये है पेटीएम पेमेंट डेबिट कार्ड, इसका आज हम यूज़ करेंगे। इसमें से पैसा विड्रॉल करके दिखाएंगे क्या ये विदेशों में पैसा विड्रॉल करता है कि नहीं। इसका पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं फिलहाल बहरीन कंट्री में हूँ और यहाँ से मैं इसमें से इस पेटीएम पेमेंट बैंक से दीनार विड्रॉल करने वाला हूँ। क्या ये दीनार विड्रॉल करेगा कि नहीं करेगा, चलिए आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो चलिए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई का भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट इंसर्ट करूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या ये पेमेंट विड्रॉल करता है कि नहीं करता है। मैं आपको पूरा लाइव करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कार्ड जो है एंटर कर देता हूँ। तो कार्ड जो है मशीन के अंदर इंटर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लीज वेट भी लिख के आ रहा है। अभी यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन एंटर करनी है। पिन एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें किस तरीके से कितना पैसा विड्रॉल करना है यहाँ पे पूरा से आपको दिख जाएगा। आप 10 दिनार 20 दिनार जितना भी यहाँ से आप विड्रॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे चेक करने के लिए 10 दिनार विड्रॉल करूंगा और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख करके आगे कंफर्म ये जो है बोल दिया है कि इस कार्ड से आप जो है पेमेंट विड्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी दिस एटीएम आउट ऑफ रिसिप्ट। तो फिर भी हम यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट नहीं निकलेगी, कार्ड हमारा निकल आया है और ये यहाँ पे ऑथराइज नहीं हुआ है। तो ये कार्ड से पैसा यहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा। और अब मैं यहाँ पे कार्ड दूसरा चेंज करूंगा, मैं दूसरा कार्ड यूज करूंगा, उसमें से देखूंगा कि क्या ये पैसा विड्रॉल करता है। फिलहाल के दोस्तों, ये पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्ड जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे गर्भ में लेकर के आते हो तो ये आपका काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको डोमेस्टिक यूज कर सकते हो, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये कार्ड लेकर के सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान किसी भी कंट्री में जाते हो तो ये कार्ड यहाँ बहरीन में वर्क नहीं कर रहा है। बाकी किसी और एटीएम में भी मैं ट्राई करूंगा, अगर ये काम करेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी दूसरे एटीएम में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आपको जो है चेक करा करके दिखाऊंगा। उस एटीएम में शायद कुछ दिक्कत या परेशानी थी, इस वजह से उस एटीएम से नहीं निकल रहा था। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एनबीबी एटीएम में आया हूँ। ये बहरीन का इंटरनेशनल बैंक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके दिखाऊँगा कि यहाँ पर पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है, पूरा मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ एटीएम में और यहाँ पर मैं अपना कार्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। कार्ड इंसर्ट कर दिया है, मशीन के अंदर चला गया है। यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है पिन इंटर करनी है। पिन इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कितना पैसा विड्रॉल करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 दिनार विड्रॉल करूंगा और यहाँ पे यस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे प्लीज वेट लिख करके आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 100% वर्क कर रहा है और यहाँ पे दोस्तों हमारा कार्ड जो बाहर आ गया है और यहाँ से ये लेके दीनार भी निकल आया है। तो इस तरीके से आप भी जो है पेटीएम का पेमेंट बैंक अगर लेकर के आते हो तो यहाँ पे काफी आसानी से पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ये फॉरेन करेंसी यहाँ पे निकल के आई है, आप लोगों को मैंने लाइव दिखाया है पैसा विड्रॉल करके। और इससे पहले मैं जिस एटीएम में गया था वो एटीएम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं दूसरे एटीएम में मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे पैसा विड्रॉल हो गया है। दोस्तों यहाँ पे वीजा सिग्नेचर के साथ आता है, तो किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाते हो तो उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कॉस्ट लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत का फल है वो दोस्तों आपके लाइक के बटन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय। तो दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे अभी जो आपको जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम से जो विड्रॉल करके दिखाया है तो उसका जो है मुझे मैसेज आ गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, फॉरेन ट्रांजेक्शन जो फीस होती है वो यहाँ पे 147.50 रुपये चार्ज हुआ है। यहाँ पे मुझे जो है फॉरेन में जो है मैंने पैसा निकाला है, बहरीन में निकाला है, तो उसका जो रेट है
वो यहाँ पे 147.50 रुपये है। और मैंने जो है यहाँ पे विड्रॉल किया है वो 10 दिनार विड्रॉल किया है, जिसका जो है मतलब मार्केट वैल्यू अगर इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 दिनार का जो है 2080 रुपये मतलब एक्सचेंज पे बन रहा है, 2080 रुपये 90 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो 10 दिनार का निकाला तो हमारे बैंक की तरफ से जो रेट कटा हुआ है वो 2109.25 रुपये यहाँ पे हमारे बैंक की तरफ से डिटेक्ट हुए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये नेशनल बैंक ऑफ बहरीन से यहाँ पे पैसा निकाला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन से पैसा निकाला गया, विड्रॉल किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप भी जो है कोई भी मतलब इंडिया का रुपए कार्ड आप ले करके ना आओ, रुपए कार्ड वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, सिर्फ वीज़ा कार्ड ही वर्क करेगा और मास्टर कार्ड वर्क करेगा। तो बस इस तरीके से आप भी जो है निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा।